कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन जिसे योग गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने स्थापित किया है। उनके आश्रम में मंगलवार को पुलिस ने एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। इस तलाशी का नेतृत्व एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया जिसमें 150 पुलिसकर्मी और 3 DSP शामिल थे। यह छानबीन मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई जिसमें फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट का यह आदेश एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संदर्भ में था जिसमें फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस याचिका को सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने दायर किया था। उनका दावा था कि उनकी 2 बेटियां गीता और लता को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में जबरन रोका जा रहा है। प्रोफेसर कामराज का आरोप था कि फाउंडेशन उनके बच्चों का मानसिक रूप से ब्रेनवॉश कर उन्हें सन्यासी बनने के लिए मजबूर कर रहा है। इस शिकायत के बाद के आधार पर अदालत ने कोयम्बटूर पुलिस को मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत यह तलाशी अभियान चलाया गया जिसमें फाउंडेशन के कमरों की तलाशी ली गई और वहां रह रहे लोगों से पूछताछ की गई। उधर योग गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन ने इस जांच के संबंध में एक बयान जारी किया। फाउंडेशन ने कहा कि पुलिस केवल एक सामान्य जांच के लिए आई थी और वहां रह रहे लोगों और स्वयं सेवकों की जीवन शैली के बारे में जानकारी ले रही थी। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया अदालत के आदेश का पालन करते हुए की जा रही है और फाउंडेशन पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। इस बीच कोर्ट में पेश दोनों बेटियों ने अपने पिता के आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे अपनी मर्जी से वहां रह रही है। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने बेटियों के इस बयान के बावजूद ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के इरादों पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति SM सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति V शिवगनम की पीठ ने पूछा कि वासुदेव जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे एक सामान्य जीवन जीने की अनुमति दी, वे अन्य युवतियों को संन्यास लेने और सांसारिक जीवन छोड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। इस पर फाउंडेशन के वकील ने तर्क दिया कि वयस्कों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है जिसमें आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का विकल्प भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बेटी गीता जो एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर है, तलाक के बाद फाउंडेशन से जुड़ गई और वहीं बस गई। उनकी छोटी बेटी लता जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने भी अपनी बहन का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहने का फैसला किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि फाउंडेशन ने उनकी बेटियों को भोजन और दवाइयां दी जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है और उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली। आपको बता दें कि सदगुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 5 सितंबर सन 1957 को कर्नाटक के मैसूर जिले में हुआ था। पिता का नाम डॉक्टर वासुदेव और माता का नाम सुशीला वासुदेव है। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सदगुरु ने 11 साल की उम्र से योग की शुरुआत की थी। 25 साल की उम्र में सबको छोड़ योग के प्रति समर्पित हो गए। उन्हें भारत सरकार पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने साल 1983 में अपने 7 साथियों के साथ योग क्लास की शुरुआत की थी। आज उनका ईशा योग फाउंडेशन किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कोयम्बटूर से करीब 30 किलोमीटर दूर वेलिंगिरी की पहाड़ी पर स्थित ईशा फाउंडेशन योग के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र बन गया है। यहाँ देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग योग, मेडिटेशन और अध्यात्म दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ईशा योग केंद्र में कई अनूठी इमारतें हैं। वहीं 13 फुट ऊंचा ध्यान लिंग है जिसको प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। यहाँ लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं। अदालत ने फाउंडेशन से जुड़े अन्य आपराधिक मामलों पर भी ध्यान दिया। याचिका में एक डॉक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला भी उठाया गया जो फाउंडेशन में काम कर रहा था। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 4 अक्टूबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है जिसमें फाउंडेशन के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की जानकारी शामिल होगी।
ईशा फाउंडेशन ने यह कहते हुए अपनी सफाई दी कि वे किसी को सन्यासी बनने के लिए मजबूर नहीं करते, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत विकल्प होता है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।